श्रीमद्भागवतम षष्ठ स्कंद अध्याय 10 देवताओं तथा वृत्रासुर के मध्य युद्ध। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार इंद्र को आदेश देकर भगवान हरि, जो दृश्य जगत के कारण स्वरूप हैं, देवताओं के देखते देखते वहीं अंतर्धान हो गए। हे राजा परीक्षित, भगवान की आज्ञानुसार देवता गण अथर्वा के पुत्र दधीचि के पास पहुंचे। वे अत्यंत उदार थे और जब देवताओं ने उनसे शरीर देने के लिए प्रार्थना की तो वे तुरंत तैयार से हो गए, किंतु उनसे धार्मिक उपदेश सुनने के उद्देश्य से वे हंसे और विनोद में इस प्रकार बोले, हे देवताओं, मृत्यु के समय तीक्ष्ण असहय वेदना के कारण समस्त देहधारी जीवात्माओं की चेतना जाती रहती है। क्या तुम्हें इस वेदना का पता नहीं है? इस भौतिक जगत में प्रत्येक जीवात्मा को अपना शरीर अत्यंत प्रिय है। अपने शरीर को अक्षुण बनाए रखने के संघर्ष में वह सभी प्रकार से, यहाँ तक कि अपना सर्वस्व न्योछावर करके बचाए रखने का प्रयत्न करता है। अतः ऐसा कौन है जो अपना शरीर किसी अन्य को दान देना चाहेगा, भले ही भगवान विष्णु क्यों न मांगे। देवताओं ने उत्तर दिया, हे ब्राह्मण, आप जैसे पवित्र तथा प्रशंसनीय कार्यों वाले पुरुष सभी व्यक्तियों पर परम दयालु एवं वत्सल होते हैं। ऐसी पवित्र आत्माएं परोपकार के लिए क्या नहीं दे सकती? वे सब कुछ, यहाँ तक कि अपना शरीर भी दे सकती हैं। जो नितांत स्वार्थी होते हैं वे अन्यों की पीड़ा को सोचे बिना उनसे कुछ याचना करते हैं, किंतु यदि याचक दाता की कठिनाई को जान ले तो वह कोई वस्तु न मांगे। इसी प्रकार जो दान दे सकता है वह याचक भिखारी की कठिनाई नहीं समझता, अन्यथा जो कुछ भी वह मांगे वह उसे देने से इनकार नहीं करेगा। परम साधु दधीचि ने कहा, मैंने तुम लोगों से धर्म की बातें सुनने के लिए ही तुम्हारे मांगने पर अपना शरीर देने से इनकार कर दिया है। अब यद्यपि मुझे अपना शरीर अत्यंत प्रिय है तो भी तुम लोगों के कल्याण के लिए मैं इसको छोड़ दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि यह आज नहीं तो कल अवश्य मुझे छोड़ देगा। हे देवो, जो न तो दुखी प्राणियों पर दया दिखाता है और न धार्मिक नियमों या अक्षुण कीर्ति के महान कार्यों के लिए अपने नश्वर शरीर की बलि कर सकता है, वह निश्चय ही जड़ प्राणियों तक के द्वारा धिक्कारा जाता है। यदि कोई मनुष्य दूसरे जीवों के दुख से दुखी होता है और उनके सुख को देखकर प्रसन्न होता है तो पवित्र तथा परोपकारी महापुरुषों द्वारा ऐसे पुरुष के धर्म को अविनाशी माना गया है। यह शरीर
जिसे मृत्यु के पश्चात कुत्ते तथा गीदड़ खा जाएंगे, मेरे अपने किसी काम का नहीं है, यह कुछ काल तक ही काम आने वाला है और किसी भी क्षण नष्ट हो सकता है। यह शरीर तथा इसके सभी कुटुंबी तथा संपत्ति परोपकार में लगने चाहिए, अन्यथा वे सब दुख एवं विपत्ति के कारण बनेंगे। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार अथर्वा के पुत्र दधीची मुनि ने देवताओं की सेवा के लिए अपना शरीर त्यागने का निश्चय किया। उन्होंने अपने आप आत्मा को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरणार विंद में रखकर पंचभूत से निर्मित अपने स्थूल शरीर को त्याग दिया। दधीची मुनि ने अपनी इंद्रियों, प्राण, मन तथा बुद्धि को संयमित किया और समाधि में लीन हो गए। इस प्रकार उनके समस्त भव बंधन छिन्न हो गए। वे यह नहीं देख सकते थे कि उनका भौतिक शरीर किस प्रकार आत्मा से पृथक हो गया। तत्पश्चात राजा इंद्र ने विश्वकर्मा द्वारा दधीची की अस्थियों से निर्मित वज्र को दृढ़ता पूर्वक धारण किया। दधीची मुनि की परम शक्ति से आविष्ट एवं श्री भगवान के तेज से प्रकाशित होकर इंद्र अपने वाहन ऐरावत की पीठ पर सवार हुआ। उसे समस्त देवता घेरे हुए थे और सभी मुनिगण उसकी प्रशंसा कर रहे थे। इस तरह जब वह वृत्रासुर का वध करने के लिए सवार होकर चला तो वह अत्यंत सुशोभित हो रहा था और तीनों लोकों को भा रहा था। हे राजा परीक्षित, जिस प्रकार रुद्र अत्यंत क्रुद्ध होकर पहले समय में अंतक यमराज को मारने के लिए उसकी ओर दौड़े थे, उसी प्रकार इंद्र ने अत्यंत क्रुद्ध होकर बड़े ही वेग से आसुरी सेना के नायकों से गिरे वृत्रासुर पर धावा बोल दिया। तत्पश्चात सत्य युग के अंत तथा त्रेता युग के प्रारंभ में नर्मदा नदी के तट पर देवों तथा असुरों के मध्य घमासान युद्ध हुआ। हे राजन, जब वृत्रासुर को आगे करके सभी असुर युद्ध भूमि में आए तो उन्होंने देखा कि राजा इंद्र वज्र धारण किए हुए है और रुद्रों, वसुओं, आदित्यों, अश्विनी कुमारों, पितरों, वहिनियों, मरुतों, रिबुओं, साध्यों तथा विश्व देवों से घिरा हुआ है और इस प्रकार से देदीप्यमान है कि उसका तेज असुरों के लिए असह्य था। सैकड़ों हजारों असुरों, यक्षों, राक्षसों, मनुष्य भक्षकों तथा सुमाली, माली आदि अन्यों ने राजा इंद्र की सेनाओं को रोका, जिन्हें साक्षात काल भी नहीं जीत सकता था। असुरों में नमुची, शंबर, अनर्वा, द्विमुर्दा, ऋषभ, असुर, हयग्रीव, शंकुशिरा, विप्रचिति, अयोमुख, पुलोमा, वृषपर्वा, प्रहेति, हेति तथा उत्कल सम्मिलित थे। ये अजेय असुर स्वर्ण आभूषणों से भूषित होकर सिंह के समान निर्भीक होकर घोर नाद कर रहे थे और गदा, परिग, भाण, प्रास, मुदगर तथा तोमर जैसे हथियारों से देवताओं को पीड़ा पहुंचा रहे थे। बर्छों, त्रिशूलों, फरसों, तलवारों तथा शतधनी एवं बुशुंडी जैसे अन्य हथियारों से सुसज्जित होकर
असुरों ने विभिन्न दिशाओं से आक्रमण कर दिया और देवताओं की सेना के समस्त नायकों को तितर बितर कर दिया। जिस प्रकार घने बादलों के आकाश में छा जाने के बाद तारे नहीं दिखाई पड़ते, उसी प्रकार एक के बाद एक गिरने वाले बाणों के जाल से पूर्णतया आच्छादित हो जाने से देवतागण दिखाई नहीं पड़ रहे थे। देवताओं की सेना को मारने के लिए हथियारों तथा बाणों के द्वारा की गई वर्षा उन तक नहीं पहुंच पाई, क्योंकि उन्होंने अपने हस्त लागव से आकाश में इन हथियारों को काट कर खंड खंड कर दिया। जब असुरों के हथियार तथा मंत्र चूक गए तो उन्होंने देवताओं पर पर्वतों के शिखर वृक्ष तथा पत्थर बरसाना प्रारंभ कर दिया, किंतु देवता इतने प्रभावशाली तथा दक्ष थे कि उन्होंने पूर्ववत इन सभी हथियारों को आकाश में खंड खंड कर दिया। जब वृत्रासुर द्वारा आदेशित असुर सैनिकों ने देखा कि इंद्र के सैनिक अनेक शस्त्रास्त्रों के समूह से यहाँ तक कि वृक्षों पत्थरों तथा पर्वत श्रृंगों के द्वारा भी घायल नहीं हो सके हैं और अक्षत बने हुए हैं, तो असुरगण अत्यंत भयभीत हुए। जब तुच्छ लोग संत पुरुषों पर झूठे क्रुद्ध आरोप लगाने के लिए दुर्वचनों का व्यवहार करते हैं तो निरर्थक वचनों से महापुरुष विचलित नहीं होते। इसी प्रकार श्री कृष्ण द्वारा सुरक्षित देवताओं के विरुद्ध किए जाने वाले असुरों के सभी प्रयास निष्फल हो रहे थे। जब श्री भगवान कृष्ण के अभक्त असुरों ने देखा कि उनके सारे प्रयास निष्फल हो गए हैं तो युद्ध करने का उनका सारा घमंड जाता रहा। उन्होंने अपने नायक को युद्ध शुरू होने के समय ही छोड़कर वहां से भागने का निश्चय कर लिया, क्योंकि उनके शत्रुओं ने उनका सारा शौर्य छीन लिया था। अपनी सेना को शत विक्षत तथा समस्त असुरों को यहां तक कि जो परम वीर कहलाते थे अत्यंत भय के कारण युद्ध भूमि से भागते देखकर सचमुच विशाल हृदय वाला बहादुर वृत्रासुर हंसा और इन शब्दों में बोला, अपनी स्थिति तथा काल और परिस्थितियों के अनुसार वीर शिरोमणि वृत्रासुर ने ऐसे वचन कहे जो विचारवान पुरुषों द्वारा प्रशंसा के योग्य थे। उसने असुर वीरों को बुलाया, हे विप्रचित्ति, हे नमुची, हे पुलोमा, हे मय, हे अनर्वा तथा शंबर, भागो नहीं, मेरी बात तो सुन लो। वृत्रासुर ने कहा, इस संसार में जन्मे सभी जीवों को मरना है। निश्चय ही इस संसार में कोई भी मृत्यु से बचने के किसी उपाय को नहीं ढूंढ सका है। विधाता तक ने इससे बचने का कोई उपाय नहीं बताया। ऐसी परिस्थितियों में जबकि मृत्यु अपरिहार्य है और यदि स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो रही हो और उपयुक्त मृत्यु के कारण सदैव यश तथा कीर्ति बनी रहे तो भला कौन पुरुष होगा जो ऐसी यशस्वी मृत्यु को स्वीकार नहीं करेगा। यशस्वी मृत्यु को वरण करने के दो उपाय हैं और वे दोनों अत्यंत दुर्लभ हैं। पहला है योग साधना, विशेष रूप से भक्ति योग के द्वारा मरना, जिसमें मनुष्य मन तथा प्राण को वश में करके पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चिंतन में लीन होकर मृत्यु को प्राप्त होता है।
दूसरा है युद्ध भूमि में सेना का नेतृत्व करते हुए तथा कभी पीठ न दिखाते हुए मर जाना। शास्त्र में इन दो प्रकार की मृत्युओं को यशस्वी कहा गया है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के छठे स्कंद के अंतर्गत देवताओं तथा वृत्रासुर के मध्य युद्ध नामक दसवें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए।